तो क्या यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज डेडपूल एंड वुल्वरीन को एंड गेम के फाइनल बैटल में टेलीपोर्ट कर रहे हैं? अरे यार क्या बात कर रहे हो यार भाई साहब, मतलब कुछ भी बोलोगे। डेडपूल एंड वुल्वरीन का फाइनल ट्रेलर देखने के बाद अब इस मूवी की क्या स्टोरी होने वाली है इसका हमें लगभग अंदाजा हो चुका है, और आज मैं आपको इसी मूवी की स्टोरी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। और हो सकता है कि मेरी बताई हुई स्टोरी पूरी तरीके से गलत निकल जाए, अगर ऐसा होता है तो आप भूल जाना कि आपने कोई ऐसा वीडियो भी देखा था। मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाएगा कि डेडपूल अपने सुपर हीरो लाइफ को छोड़कर दो वक्त की रोटी कमाने के लिए नौकरी कर रहा है, और जब डेडपूल घर जाएगा तो उसको मिलेगा बर्थडे सरप्राइज। ये सब देख के हमारा डेडपूल इमोशनल हो जाएगा और चार पांच जोक मारेगा। उसके बाद उसके दरवाजे पर होगा नॉक नॉक, और बाहर खड़े होंगे डेडपूल के स्वागत के लिए टीवी वाले, जो कि उसको पकड़ कर प्रोफेसर पैराडॉक्स के पास लेकर जाएंगे। पैराडॉक्स बताएंगे, देखो बाबू तुम्हारा यूनिवर्स खतरे में है क्योंकि किसी ने इंकर्जन चालू कर दिया है, एंड अब तुम्हारा जो यूनिवर्स है वो 616 के साथ टकराने वाला है। मगर पैराडॉक्स डेडपूल को पूरी सच्चाई नहीं बताएगा, वो कहेगा कि तुम्हें मौका मिला है दोनों ही यूनिवर्स को बचाने का, जबकि हमें बताया ऐसा गया है कि जब भी इंकर्जन चालू होता है या तो दोनों यूनिवर्स तबाह हो जाता है या फिर दोनों में से कोई एक यूनिवर्स तबाह होता है। फिर पैराडॉक्स डेडपूल को बताएगा कि उसको क्या क्या चीज करना है, एंड अब वो उससे पूछेगा कि तेरे को क्या क्या चाहिए बता, सब कुछ है अपने पास। तो सबसे पहले टीवी वालों से वो अपना सूट मांगेगा और डिमांड करेगा वुल्वरीन के एक ऐसे वेरिएंट की जिसने अपने यूनिवर्स को तबाह होते हुए देखा हो। इसको वुल्वरीन का साथ इसलिए चाहिए क्योंकि वो वुल्वरीन का बहुत जिगरी वाला फैन है, एंड अपने पहले दूसरे मूवी वुल्वरीन के ऊपर दर्जनों जोक मारे थे इसने। फिर पैराडॉक्स डेडपूल को डिफरेंट यूनिवर्स में भेजेगा जहाँ पर डेडपूल के वेरिएंट एग्जिस्ट करते हैं। तो डेडपूल बहुत सारे वुल्वरीन को मनाने के लिए जाएगा, मगर वो सारे इसको मना कर देंगे क्योंकि सभी डिप्रेशन में होंगे, सबने अपने यूनिवर्स को खोया है। तो डेडपूल थक हार के वापस टीवीए में आएगा एंड बोलेगा चलो मैं अकेले ही मिशन पे चलता हूँ, मगर तभी पैराडॉक्स बोलेगा कि हमारे पास एक और ऐसा ही वुल्वरीन है मगर हमने उसको वर्ल्ड में फेंक के रखा है, तो तुम जाओ उस वुल्वरीन को वर्ल्ड से उठाकर लेकर आओ, फिर साथ में पार्टी करेंगे। तब पैराडॉक्स अपने कुछ एजेंट भी डेडपूल के साथ भेजेगा क्योंकि वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा खतरा है। मगर वर्ल्ड पहुंचते ही कैसेंड्रा नोवा सारे टीवी एजेंट के माइंड को कंट्रोल कर लेगी। अब ये टकली कौन है अगर आपको नहीं पता तो ये चार्ल्स एक्सजेवियर की ट्विन सिस्टर है, और दोनों ही टकलों के पास सेम पावर है, बस इसके इरादे नेक नहीं है। तो सवाल आता है कि ये डेडपूल का माइंड क्यों नहीं कंट्रोल करी, क्योंकि डेडपूल का माइंड एक बार प्रोफेसर चार्ल्स एक्सजेवियर ने भी कंट्रोल करने की कोशिश की थी। बंदे की हाथ खराब हुई तो उसकी बहन कहां से करेगी। उसके बाद मजबूरन डेडपूल को वो सारे ही एजेंट को मारना पड़ेगा बहुत गंदी तरीके से। उसके बाद उसका सामना होगा वुल्वरीन से, दोनों में थोड़ी प्यार भरी बातें होगी, मारा कुटी भी होगी, मगर बहुत ज्यादा कोशिश के बाद डेडपूल वुल्वरीन को मना लेगा। मगर वुल्वरीन की एक शर्त होगी कि वो कैसेंड्रा नोवा को मार दे, क्योंकि वो नहीं मार पा रहा ना, वो जैसे ही सामने जा रहा है उसको कंट्रोल कर ले रही है। और कैसेंड्रा ने पूरे वर्ल्ड में तबाही मचा के रखी है, सबका जीना हराम करके रखा है इस टकली ने। फिर बहुत सारे फाइट के बाद कैसेंड्रा नोवा फाइनली हार जाएगी। फिर इन लोग डॉक्टर स्ट्रेंज के पोर्टल से दूसरे यूनिवर्स में जाएंगे। इस पोर्टल को कौन खोल रहा है वो नहीं पता, क्योंकि इसमें डॉक्टर स्ट्रेंज तो सारे हमें देखने को नहीं मिलेंगे, शायद कोई और सॉर्सरर खोल रहा होगा। ये दोनों कौन से यूनिवर्स में जा रहे हैं वो भी क्लियर नहीं किया गया है, क्योंकि मार्वल वालों ने सर्फ एक्सल डाल दिया सामने पे, सब व्हाइट व्हाइट दिख रहा है। अब इसके आगे डेडपूल वही काम करेगा जो कि पैराडॉक्स ने इसको समझाया होगा, बस अपने तरीके से। जब सारे ही काम खत्म करके डेडपूल वापस से टीवीए में आएगा तो प्रोफेसर बोलेगा, अरे यार तुमने तो कमाल ही कर दिया, तुमने मेरा दिल जीत लिया, तुमने दोनों यूनिवर्स को बचा लिया। मगर असलियत में होगा ऐसा कि जो डेडपूल का फॉक्स यूनिवर्स था वो तबाह हो चुका होगा। मगर यहाँ पर प्रोफेसर पैराडॉक्स खेल खेलेगा और डेडपूल और वुल्वरीन को एक ऐसे यूनिवर्स में भेज देगा जहाँ पर सब कुछ उसके यूनिवर्स जैसा ही होगा, सारे एक्समैन उधर पे जिंदा होंगे, और ये वही एक्समैन का यूनिवर्स होगा जो कि हमने द मार्वल्स के पोस्ट सीन में देखा था। तो आप लोग बताना कि मेरी पकाई हुई स्टोरी आपको खाने में कैसी लगी। बस आप में से बहुत सारे लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उन लोगों ने बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट नहीं किया है, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलती। भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, कर देना। तब तक के लिए मेरी और भी सारी वीडियो आपको पसंद आएगी। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए और देखते रहिए AS2 मूवीज।